हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रेस अप राइट हियर। और आज हम ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन लेके आए हैं। तो ये ब्लाउज का बैक पार्ट है मेरा, इसमें हमने अस्तर जोड़ लिया है चारों तरफ सिलाई लगाकर। अब इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ फोल्डिंग साइड से हम गले की चौड़ाई लेंगे। 2.5 इंच ली है ये मैंने। अब हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी गले की लंबाई रखना चाहते उतनी लगा लेंगे। मैंने 10 इंच ली है। अब इसको हम इस तरह से गोलाई से मिला देंगे, इस तरह गोलाई की शेप में गला की डिज़ाइन बना लेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हमने एक मिड में कट लगाया है, कट का पॉइंट लगाया है ये। यहाँ से हमें डिज़ाइन जो बनाएंगे उसके लिए शेप देनी है मिड पॉइंट से। इस तरह से इधर से देखिए आप, ये जहाँ हमने मिड पॉइंट लगाया था गले का, वहीं से हम ये इस तरह मिलाते हुए इस गोलाई से थोड़ी सी शेप देंगे इस तरह। अब यहाँ की हम कटिंग कर लेंगे ये इस तरह से। और अब हमें इन दोनों पार्ट को यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगा ली हमने दोनों पार्ट में। अब हमें इसमें लगानी है पाइपिंग। तो पाइपिंग को इस तरह से हमें रखना है और इसको फिर मैं बैक में पलट कर सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। और इसमें हम पाइपिंग यहाँ तक लगाएंगे और इस वाले पार्ट में पूरी हम नीचे तक लगाएंगे। इसमें अभी हम बैक में नहीं पलटेंगे, दूसरे वाले पार्ट में इस तरह से। इसमें हमने देखो पाइपिंग लगा के बैक में पलट दी और सिलाई लगा दी इस पर। और इस पर हमने अभी बैक में नहीं पलटी है पाइपिंग, केवल सिलाई लगाकर जोड़ी है। तो अब हम पहले ये छोटे छोटे बटन ये बनाएंगे बटन। तो इसके लिए हमने ये गोल्डन थोड़े कपड़े लिए हैं टुकड़े, और ये छोटे छोटे कटिंग कर लिए हैं कपड़े की भरने के लिए इसके अंदर। तो ये हम इसके अंदर भरेंगे ये कपड़े, बिल्कुल छोटा छोटा हमने कट कर लिया है इसको। और इस तरह से भर कर और इसको हम धागे से टाइट बांध कर गांठ लगा देंगे और ये बना लेंगे हम। आप जितनी भी लगाना चाह रहे हो उस हिसाब से बना लीजिए उतनी। इस तरह से हम बांध कर और गांठ लगा देंगे। इनको हमें अपने ब्लाउज पर लगाना है। तो पहले मैं ना इनको सुई धागे की मदद से लगा दूंगी, थोड़े से अटैच कर दूंगी इसको। इसलिए जब हम उसको रखेंगे पार्ट को सिलें तो ये खिसके नहीं, इसलिए हम पहले थोड़ा थोड़ा इनको सुई धागे की मदद से एक जगह पर सेट कर देंगे इस तरह से लगा कर। इस तरह से ये हमने सारे इस पर अटैच कर लिए। आप इसको रख कर अगर हम अटैच नहीं करते तो इसके रख के हम जब सिलते तो ये खिस सकते हैं, इसलिए हमने पहले इसको सुई धागे की मदद से इस पर अटैच कर लिए और फिर मैं इसको अब इसके ऊपर से सिलूंगी। तो आप ये ज़्यादा भी लगा सकते हो, मैंने थोड़ा गैप रखा है कम लगा है, आप ज़्यादा भी इसमें लगा सकते हो। तो इस तरह से अब इस वाले पार्ट को हम रखेंगे इसके ऊपर दूसरे पार्ट को, और यहाँ किनारे से पाइपिंग के पहले हम किनारे से एक सिलाई लगाएंगे इस पर और फिर हम दूसरी सिलाई भी लगाएंगे इसके ऊपर साइड में इस तरह से रखकर। देखिए
पहले यहाँ किनारे से एक सिलाई लगाएंगे और फिर एक दूसरी सिलाई डबल सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा बैक नेक डिजाइन तैयार हो गया। आपको कैसा लगा बताइएगा। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।